लोकसभा चुनाव से पहले, ठीक पहले, अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने अपना बड़ा सियासी दांव खेल दिया है। माना यह जा रहा है, मोदी सरकार ने आयकर की सीमा 5 लाख तक बढ़ाकर मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा वाले युवाओं को साधने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने किसानों को भी साधने की कोशिश की है, लेकिन क्या यह बजट चुनावों में वोट दिला पाएगा? सवाल ये। मैं वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार के अनुमानित प्रक्रिया और व्यय का वितरण प्रस्तुत करने के लिए आप सभी। वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। फ्रॉम बीइंग द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2013-14, वी आर टुडे द 6th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कमर तोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ती। हमारे सरकार में ये दम था कि हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहें कि ये सभी लोन्स को देखें और बैंकों की सही स्थिति देश के सामने रखें। 2019 के चुनाव से पहले आखिरी अंतरिम बजट पेश किया गया। वर्ष 2019-20 के लिए भारत सरकार के अनुमानित प्रक्रिया और व्यय का वितरण प्रस्तुत करने के लिए आप सहमति दे। काफी उम्मीदें लगाए बैठे लोगों को इंतजार भी था कि क्या उनकी उम्मीदों को सरकार पूरा करेगी, लेकिन बजट के पेश होते ही खलबली का दौर भी शुरू हुआ। किसी ने कहा कि अंतरिम बजट नहीं चुनावी बजट है, तो किसी ने कहा कि ये बजट बस जुमला है। लेकिन वही सरकारें चुनाव से पहले बजट के जरिए ही सही अपना दाव खेल दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मध्यम वर्ग को बड़ी संख्या में वोट मिले थे, लेकिन सरकार बनने के बाद से इस आर्थिक वर्ग, खासकर शहरी मध्यम वर्ग के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया गया था, जिसको लेकर सरकार से लोग खफा से नजर आए। वहीं मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अपने आंतरिक बजट में दो बड़े चुनावी दांव चल चुकी है। 2019-20 के लिए भारत सरकार के अनुमानित प्रक्रिया और व्यय का वितरण प्रस्तुत करने के लिए आप सहमति दे। पहले तो छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान दिया है। इस ऐलान के साथ कोशिश की गई है कि देश में किसानों के अंदर हाल ही में सरकार के खिलाफ उपजे गुस्से को ठंडा किया जा सके। चूंकि अभी कुछ दिन पहले ही आलू किसानों ने फसल की सही लागत न मिलने पर पीएमओ को मंडी में मिले बिल भेजे गए थे। इससे पहले खेती से जुड़े मुद्दों पर सरकार के खिलाफ कई आंदोलन भी हो चुके हैं। दूसरी ओर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सरकार बनाने के बाद कर्ज माफी का ऐलान किया है। विधानसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया था और अब वो लोकसभा चुनाव के प्रचार में भी ऐसा ही ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले माना जा रहा था कि मोदी सरकार भी किसानों की कर्ज माफी का ऐलान कर सकती है, लेकिन अब सीधे आर्थिक मदद देने का ऐलान कर मोदी सरकार ने बड़ा दाव खेला है। मान नहीं है तो अपमान की योजना है, किसान के जले पे नमक छिड़कने की योजना है। कहते हैं ऐतिहासिक है, किसान को अब तो आय बढ़ जाएगी, साहूकार के पास जाना नहीं पड़ेगा। कितने रुपए दे रहे हो जी? 6,000 रुपए साल के, एक परिवार को एक महीने का 500 रुपया। 5 लोगों का परिवार है तो पर डे कितना पड़ा? 3 रुपया 30 पैसा। एक चाय नहीं आएगी मोदी जी चाय पे चर्चा करने के लिए, जरा तो कुछ कर लेते। ये सम्मान नहीं है, ये तो अपमान है किसान का। ये सीधे सीधे वोट खरीदने की कोशिश है, इसका किसी दीर्घकाल से कोई मतलब नहीं है। मोटी बात यह है कि पहली इंस्टॉलमेंट 2000 की किसी तरह से किसान के अकाउंट में इलेक्शन से पहले पहुंचा दो। 2000 के बदले किसान के घर में 3-4-5 जो वोट हैं वो लेने की योजना है। वहीं दूसरी ओर सरकार ने टैक्स स्लैब पर बड़ा बदलाव कर दिया। अब 5 लाख रुपए की सालाना आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं जो ये 10 लाख लोगों को इलाज मुफ्त है। लेकिन इससे ज्यादा सालाना आय वालों के लिए टैक्स के पुराने नियम ही जारी रहेंगे। इसके साथ ही बैंक ब्याज और डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज पर भी 40,000 तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। वही स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी 40,000 से 50,000 तक की छूट दी गई है। दूसरी ओर से 6.5 लाख रुपए के सालाना निवेश पर भी कोई टैक्स नहीं मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा दाव नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए अब ग्रेजुटी की सीमा 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की पेंशन 1,000 रुपए महीने से 3,000 रुपए कर दिया गया है। ईपीएफओ के अंतर्गत बीमा को 6 लाख रुपए कर दिया गया।
दूसरी ओर न्यूनतम आय वाले मजदूर जिनकी आय 15,000 रुपए, उनमें से आकस्मिक मौत हो जाने पर परिवार को 6,00,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही 21,000 रुपए की सालाना सैलरी पर अब बोनस भी दिया जाएगा, यानी मिडिल क्लास के लिए यह ऐलान सौगातों से कम नहीं, या यूं कहें कि रूठों को मनाने के लिए मोदी सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी है। साफ तौर पर सियासी दाव खेलती हुई नजर आई है सरकार, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इन ऐलान के बाद क्या बीजेपी को बजट से वोट मिल पाएंगे? चूंकि ऐलान तो कर दिया गया, क्या उन ऐलानों पर सरकार खरी उतरेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो बीते शुक्रवार कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का छठा और आखिरी बजट पेश किया। अंतरिम बजट था, क्या आपने इस बजट को समझा कि इस बजट से आपको कैसे और कितना फायदा होगा? अगर नहीं तो रिपोर्ट जानिए। मोदी सरकार के अंतरिम बजट में कार्यवाहक वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे करदाताओं को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने आयकर छूट की सीमा को 5,00,000 करने की लंबे समय से हो रही मांग को न केवल पूरा किया बल्कि मानक कटौती, दो घर में निवेश की छूट जैसे कई अहम ऐलान भी किए। केंद्रीय वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को लोकसभा में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि आयकर की छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5,00,000 रुपए करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जिनकी सालाना आय 6.5 लाख रुपए तक है और उन्होंने जीवन बीमा, 5 साल की सावधि जमा और अन्य कर बचत वाली योजनाओं में निवेश किया है, तो उन्हें भी अपनी पूरी आय पर कर छूट मिल सकती है। कर स्लैब में बदलाव नहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि वो कर स्लैब में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, कर स्लैब पूर्ववत रहेंगे, लेकिन 5,00,000 रुपए तक की कर योग्य आय को पूरी तरह से आयकर छूट दी जाएगी। मौजूदा कर स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख से 5,00,000 रुपए की आय पर 5%, 5 से 10,00,000 रुपए सालाना आय पर 20% और 10,00,000 रुपए से अधिक की आय पर 30% की दर से कर लागू होगा। 3 करोड़ का फायदा। पीयूष गोयल ने कहा आयकर की सीमा बढ़ाने से 3 करोड़ मध्यम वर्ग करदाताओं, स्वरोजगार करने वालों और वरिष्ठ नागरिकों को कुल मिलाकर 18,500 करोड़ रुपए तक का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा बीमा और पेंशन योजना में निवेश करने वालों को मिलाकर लाभार्थियों की संख्या और बढ़ जाएगी। मानक कटौती को भी 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की घोषणा की है। 2 मकानों में निवेश कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने 1 मकान में निवेश से होने वाले पूंजीगत कर लाभ को बढ़ाते हुए अब इसे 2 आवासीय इकाइयों में किए गए निवेश तक बढ़ा दिया है। ये सुविधा 2 करोड़ रुपए तक के पूंजीगत लाभ वाले करदाता को मिलेगी, हालांकि इसका लाभ जीवन काल में सिर्फ 1 बार लिया जा सकेगा। घोषणा की क्या है वजह? वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में कर प्रस्ताव को शामिल करने का बचाव किया। उन्होंने कहा परंपरा के मुताबिक मुख्य कर प्रस्ताव नियमित बजट में पेश किया जाता है, लेकिन नए वित्त वर्ष की शुरुआत और छोटे करदाताओं, खास तौर पर मध्य वर्ग, वेतन भोगी, पेंशनर और वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत को ध्यान रखते हुए कर प्रस्ताव को अंतरिम बजट में शामिल किया गया है। गोयल ने कहा कि इस वर्ग के लोग इंतजार नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि अंतरिम बजट में अगली सरकार गठित होने से पहले की अवधि के लिए संसद से सरकारी खर्चों की अनुमति ली जाती है। क्या है 5 साल की उपलब्धि? 12,00,000 करोड़ रुपए हुआ प्रत्यक्ष कर, 6,38,00,000 करोड़ 2013 से 14 में था, 6,86,00,000 हुए आयकर रिटर्न भरने वाले और 5 साल में 80% वृद्धि हुई। 99.54% रिटर्न पिछले साल दाखिल करते हुए स्वीकृत हुई। 2019-20 तक का अनुमान 13,08,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष कर संग्रह होने की उम्मीद है। इसी के साथ 7.6 लाख करोड़ रुपए कंपनी कर और 6.2 आयकर से मौजूदा कराधान दर के अनुसार 5,00,000 रुपए तक की आय पर कर देयता 12,500 रुपए बनती है। ऐसे में सीधा 12,500 रुपए की छूट दी जा रही है। उपरोक्त राशि के अलावा 5,00,000 रुपए आयकर मुक्त हैं। इस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की नए कर प्रस्ताव के तहत 10,00,000 रुपए तक की आमदनी करके दायरे से बाहर हो जाएगी। विदेशों में पढ़ाई और कुछ अन्य योजनाओं का भी लाभ लेकर ये सीमा कुछ बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसका फायदा सभी को नहीं मिलेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।
हालांकि अंतरिम बजट के बाद विपक्ष से चुनावी साल में चुनावी बजट बता रहा है, वहीं विश्लेषक ये मानते हैं कि इस बजट से लोगों को बहुत कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन सरकार इसे ऐतिहासिक बता रही है। इसी मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकारों की राय जानी हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने। मोदी सरकार के अंतरिम बजट के बाद ये चर्चाएं तेज है कि इसका लोकसभा चुनाव पर क्या असर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा सियासी मैसेज देता है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, जो इस बजट पर चर्चा करेंगे राजनीतिक तौर पर ये कितना फायदा पहुंचाएगा। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या देखते हैं इसका असर आप इस बजट का पॉलिटिकली अगर बात करें? मैं दीपक दीवान हूं और देखिए मैं एक चीज कहता हूं, ये जो बजट है ये टोटली पॉलिटिकल बजट है, और मगर इसका फायदा जो है जनता को है, जनता को खुश करने के लिए ये बजट बना है। आप देखिए 2.5 लाख से जिसको 5 लाख की एग्जम्पशन मिल रही हो, एकदम से डबल एग्जम्पशन मिल गई आपको टैक्स में, तो वो लोग नेचुरली सरकार को चाहेंगे कि यही सरकार आगे चले और ऐसे फायदे इन लोगों को दे। तो पॉलिटिकली आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉलिटिकल मूव है मोदी गवर्नमेंट का, इलेक्शन पर नजर रख के ये बजट बना। ऐसे वक्त जब चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और ये लोकसभा चुनाव की चुनौती सामने थी, सरकार ने अपना दांव चला है, आपको लगता है ये फायदा पहुँचाएगा मोदी सरकार को चुनाव में जाने से पहले? मेरा नाम डॉक्टर मानोज बैनर्जी, मैं नॉर्थ ईस्ट के पेपर का हूँ और कलकत्ता का भी पेपर का हूँ। ये जो बजट है, इन्होंने पहले बता दिया देवान जी, ये पॉलिटिकल बजट है प्लस चुनाव बजट है, चुनावी बजट है। इसमें सबसे बड़ा ये हो गया क्या, वो जो 5 लाख रुपए के बात है ना, इसमें थोड़ा धोखेबाजी भी आए। 5 लाख रुपए सबको नहीं देगा, मान लीजिए आपका 5 लाख साल में आपका 5 लाख 100 रुपया आपका तनख्वाह मिलता है तो आपको नहीं मिलेगा, आपको 2.5 लाख रुपये का फायदा मिलेगा, 5 लाख नहीं मिलेगा। जिसे 5 लाख है उससे कम है उसको ही फायदा मिलेगा 5 लाख का, जो रिबेट मिलेगा इनकम टैक्स का। तो इसमें जाकर थोड़ा टेक्निकली जब चालाकी करके रख दिया। एनीवे ये जो दे दिया, फिर भी जिसको मिले सीनियर सिटीजन जो आर्थिक दिख से कमजोरी है, इसको जो मिलेगा ये तो बहुत कम से कम इसमें 80% पब्लिक आ जाता है इसके अंदर में, 80% किसी के 40,000 रुपये पर मंथ कितना आदमी का है, 80% आदमी आ जाएगा, 50% आदमी आ गया, इसका बहुत फायदा मिलेगा इलेक्शन चुनाव में, मोदी जी का बहुत चुनाव में फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा किसान के लिए जो दिया वो चीज़ देखने में बहुत बड़ा कुछ लग रहा है, ये 6,000 रुपया साल में देगा, 17 रुपया एक दिन में, तो 17 रुपया किसान तो अभी रिवोल्ट कर रहा है। अभी उत्तर प्रदेश का वहाँ पे किसान झंडा लेके निकल गया, बोले हमारा 17 रुपया हमारा डेली नहीं चाहिए, हमारा डेली 17 रुपया क्या होगा हमारा, तो ये भी बात है। लेकिन महिला के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम बनाए उन्होंने। और एक चीज़ है कि ये जो हमारा जो इलेक्शन जो अभी सामने आ गया, इसके लिए वो जो जितना भी दिया है मैंने भांडा फोर पूरा के पूरा छप्पर फोर के दे दिया है, तो ये अभी 3 महीने का बजट है, ये 3 महीने में सरकार का 3 महीना है, उसके बाद नया सरकार आएगा। इम्प्लीमेंटेशन तो बीजेपी का करना नहीं है, जो भी सरकार आएगा बीजेपी आए जो भी आए इसको करना पड़ेगा, जिम्मेवारी उनका है। आपसे जानना चाहेंगे इस बजट का क्या राजनीतिक असर आप देखते हैं? यह बजट निश्चित रूप से बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि यह बजट कम ये घोषणा पत्र ज़्यादा है, इसमें कुछ ऐसे बड़े बड़े वादे किए गए हैं जो आने वाली सरकार के लिए भी मुसीबत खड़ी करेंगे। लेकिन चुनाव जीतना प्राथमिकता है बीजेपी की, इसलिए इसमें बड़े बड़े वादे किए गए, घोषणा किया गया, और यह बजट तो 3 ही महीने का बजट है, उसके बाद तो नई सरकार आएगी, नया पूर्ण बजट पेश होगा, उसके बाद क्या कुछ होगा वह बात का दृश्य है, लेकिन चुनाव में इसका लाभ होगा। करने के लिए ये राजनीतिक विश्लेषक थे और ये बता रहे थे कि अंतरिम बजट का क्या असर होगा। जाहिर सी बात है सियासी फायदा इसका मिलने जा रहा है मोदी सरकार को, लिया जाए उसी नजरिए से ये अपनी राय रख रहे थे। कैमरामैन विदय ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली। किसानों को काफी उम्मीदें थी, क्या किसानों के मुताबिक ये बजट उनके लिए सही है, उनकी भी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। के चर्चे हरियाणा की चौपालों में या उस जगह पे जहां खाली समय में जो हमारे ग्रामीण ताश खेलते हैं उसी जगह पे मैं ठीक पहुंचा हूं। बजट में छोटे किसानों के लिए सरकार ने 6,000 रुपये सालाना का जो प्रोविजन किया कि छोटे किसानों के खाते में 6,000 रुपये सालाना आएंगे, इस सरकार के तोहफे को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया? हालांकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 17 रुपये रोज किसानों को मिलेंगे, किसानों से पूछा जाए खुश है कि नहीं? कैसे खुश है, फसल का जो रेट बढ़ाए तो खुश है, इसमें तो कुछ आना जाना है नहीं, इससे तो किसान और दब जाएगा नीचे। 17 रुपए वाली बात है, वो राहुल गांधी के साथ खड़े इस टाइम हम, 17 रुपए में तो कुछ होना जाना भी नहीं है, या तो कम से कम तनख्वाह बंद है, कम से कम भी 6,000 रुपये महीना हो तो बस सेवा हो सकता है, नहीं तो किसान के हालात का आपको भी पता है, सबसे गरीब कौम है किसान, तो हम ऐसे इसके साथ नहीं खड़े हैं। फसल की जो कीमत बदल, फसल के दाम बदल, फसल कैंप है
तो हमारे किसान को फायदा होगा। जब फसल पे तो विदेश 500 रुपए में क्या है। इस तरह की मदद सरकार ने शुरू की है, आप चाहते थोड़ा ज्यादा होनी चाहिए थी। मदद तो ठीक है लेकिन थोड़ी है, ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 9 किले की जमीन के हिसाब से, जो खर्चे के हिसाब से लागत आनी चाहिए। खाद के दाम बता रहे, खाद को घटा रहे हैं, दाम बता रहे हैं। आप बताओ जी, अपनी राय बताओ आप। हाँ, हमारी तरफ से तो 6,000 रुपए किसान को मदद जो दी जा रही है, ठीक दी जा रही है, ठीक दी जा रही है। कोई बात नहीं, अरे भाई पिल्सन की बात अलग है, अपने विचार देंगे हम तो यार। आपको उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या दिक्कत है? इसने तो गवर्नमेंट ने तो दिया यू, उसकी खाद के बीज के मदद करने के लिए दी है। पहले कांग्रेस ने किसी ने करी थी, पहले किसी ने करी थी। अच्छा अच्छा, राहुल गांधी कह रहे थे 17 रुपए रोज, ये तो अपमान है किसानों का। राहुल गांधी के बारे में क्या कहोगे? राजनीति खबर तो उसकी सोच है, कुछ भी बोला हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं टिप्पणी करते। हम उसके बारे में टिप्पणी नहीं करते, हम उसकी सोच है वह उसके कहना, उसके बारे में टिप्पणी करते हम। जो ये कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इनके साथ हो ठीक है, ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं। हाँ, जो युवा किसान है, देखो बड़े लोग, इन्होंने तो कई सरकारें देखी, जो युवा किसान है, सरकार ने एक नई तरह की पहल की है, आप क्या कहेंगे इसकी? सरकार के साथ है नहीं है? की है पहल, अच्छी बात है, लेकिन बहुत कम की है। किसान को कम से कम 6,000 रुपए महीना मिलना चाहिए। 6,000 रुपए सालाना मिले, 6,000 रुपए की तो किसान साल में बीड़ी पी जाता, तम्बाकू पी जाता, इससे क्या होगा? किसान हर तरह से मरा पड़ा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं किसानों को कितना दे दो, किसान तो रोएगा ही। ये इस बात, इसका जवाब क्या देंगे आप? नहीं, किसान कैसे रोएगा? किसान को गेहूं का भाव ठीक मिले, 5,000 रुपए क्विंटल मिले, कैसे किसान कैसे रोएगा? जीरी का भाव 5,000 रुपए मिले, कैसे रोएगा किसान? ओले पड़ जाते हैं, कहते पूरे गांव की फसल बर्बाद होगी, तब बीमा मिलेगा। मान लो 10 किसानों के खेत में ओले पड़ गए, उनको ज्यादा नुकसान हो गया, और 90 के साइड में नहीं पड़े तो उसका 10 तो मर गए ना बेचारे, वो गरीब आदमी किसान। लिहाजा सरकार की किसानों को मदद के तौर पर जो प्रावधान किया गया है बजट में, इसको लेकर किसानों की मिली जुली राय है, लेकिन ज्यादातर लोग खिलाफत कर रहे हैं कि किसान को इसकी बजाय उसकी फसलों का पूरा मूल्य मिले, वो किसान के लिए एक बेहतर मदद होगी। और राहुल गांधी के बयान को कि 17 रुपए हर रोज देकर किसानों का अपमान किया जा रहा है, राहुल गांधी के बयान को ये लोग कह रहे हैं राजनीतिक बयान है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज पानीपत। बजट पर मिला जुला रिएक्शन है, शहरी क्षेत्र के लोगों का, युवाओं का क्या रुख है, ये भी सुन लेते हैं। एक्सेसिवली लोअर क्लास है, वोट को टारगेट कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा तो मिडिल क्लास जाता है, मिडिल क्लास को तो उसमें कोई फायदा नहीं है। 5 लाख का एनुअल इनकम क्या है? इट इज मियरली नथिंग। तो इट इज जस्ट अ वोट पॉलिटिक्स, नथिंग मोर देन दैट। तो क्या इस बार, और एक चीज और उसमें ये है कि वो एग्जम्पशन नहीं किया उन्होंने, दैट इज अ रिबेट, ठीक है। उन्हें एग्जम्पशन करना चाहिए अगर वो वाकई में कुछ करना चाहते थे तो, ठीक है। आई डोंट बिलीव इन दिस गवर्नमेंट पर्टिकुलरली। तो क्या 5 लाख वालों का तक कहीं ना कहीं फायदा नजर आ रहा है? हाँ, उन लोगों को फायदा है जो 5 लाख से कम है, लेकिन फिर वही बात है ना, आप वोट के लिए कर रहे हो, आप पब्लिक के लिए नहीं कर रहे हो, आप वोट के लिए कर रहे हैं ना। वो मिडिल क्लास को तो कुछ नहीं मिला, मिडिल क्लास हमेशा मरता है। पॉलिटिकल स्टैंड या तो हायर क्लास के लिए होता है या एक्सेसिवली लोअर क्लास के लिए होता है, मिडिल क्लास के लिए क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ। पहले 2.5 लाख की स्लैब थी, 5 लाख की हो गई है, और लोगों को फायदा ही होगा इसमें, ठीक है। इनफैक्ट मेरे पापा के भी 2.5 लाख से ऊपर की स्लैब है, तो उनका भी टैक्स कटा है, तो अब जितने भी ज़्यादा बेनिफिट होंगे और ज़्यादा सेविंग करेंगे लोग, उनका बेनिफिट होगा। अच्छा, तो क्या लगता है कि ये देखकर लोग एक बार फिर से मोदी? तो मिला जुला रिएक्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं कि राहत भरा बजट है, और कुछ लोग कह रहे हैं वोट वाला बजट है। क्या इस बजट से फायदा मिलेगा? चुनावी साल है, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।